हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू ऑथेंटिक केरला। मेरा नाम लिया। आज मैं आप लोग के लिए दिखाती हूँ केरल की ओणम सद्या स्पेशल ओलन की रेसिपी। ये ओलन को हिंदी में क्या कहते करके मेरे को माल नहीं है, लेकिन ये आशगढ़ से बनाते हम ये पेटा सीड्स वगैरह बनाते ना, उसमें से आप लोग का मालूम रहेगा ये आशगढ़ की हिंदी की ना, वो मेरे को कमेंट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये ओलन की रेसिपी कैसे बनाते करके हम देखते हैं। उसकी पहले हमारे ये चैनल पहली बार कोई देख रहे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो, हाय फ्रेंड्स, हम ओलंगरी बनाती हूँ। ओलंगरी बनाने के लिए मैंने इधर आधा कप लाल चावल मैंने 10 मिनट पानी में भिगा के रखी, अच्छा से वॉश करके लिया है। ये मैंने एक कुकर में डाल के देती हूँ और पकने के लिए थोड़ा पानी भी डाल के देती हूँ और थोड़ा सा नमक भी डाल के मिला के देती हूँ। अभी मैंने कुकर बंद करके मीडियम फ्लेम पे 2 विसिल तक देखती हूँ। और हमको चाहिए आशगढ़। हम पेटा स्वीट बनाते ना, वही वेजिटेबल है। ये मैंने 1/2 kg अच्छा से साफ करके ऐसे छोटा छोटा पीस है कट करके रखा है। देखिए, ऐसे थोड़ा लंबा से काटना चाहिए। ये मैंने एक मिट्टी का हंडी में डालती हूँ और मैंने 3 हरी मिर्च ऐसे कट करके रखा है, ये भी डाल के देती हूँ। और हमको चाहिए कोकोनट मिल्क। मैंने कोकोनट मिल्क का 1st और 2nd मिल्क तैयार करके रखा है। इसमें मैं 2nd मिल्क डाल के देती हूँ, एक बार मिला के देती हूँ। अभी ये मैंने गैस पे रखी, मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रखती हूँ। ये ढक्कन से बंद नहीं करना चाहिए, ऐसे खोल के रखी पकना चाहिए। बीच बीच में 1 स्पून से मिला के देना भी चाहिए। कोकोनट मिल्क कैसे बनाते करके मैंने चना दाल की गिर की रेसिपी है ना, उसमें मैंने डाला है। कुछ डर्ट है तो वो देखिए। अभी 5 मिनट हो गया, कोकोनट मिल्क अच्छा से उबालने के लिए शुरू हो गया। अभी थोड़ा मिला के देती हूँ, ये 7-8 मिनट्स में अच्छा से पक जाएगा। देखिए, मैंने 2.5 कप कोकोनट मिल्क डाला है और पूरा कम हो गया। अभी 1/2 कप रहेगा। हमारा आशगढ़ भी अच्छा से पक गया है। हमारा लाल चावल ही पक गया रहेगा। कुकर की 2 विसिल हो गया है। मैंने गैस बंद करके रखती हूँ, थोड़ा ठंडा होने दो। अभी इसमें हम लाल चावल डाल के देती हूँ। उसके लिए मैंने कुकर खोल के लाल चावल पक गया है क्या देखती हूँ। लाल चावल भी पक गया है। उसमें डालने के लिए ये लाल चावल मैंने दूसरा बर्तन में निकाल के रखती हूँ। ये लाल चावल पक गया वाला ये पानी है ना, ये पानी ज़्यादा मत डाल दीजिए, क्योंकि कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। डाला है तो भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, उतना ही है। ये पूरा लाल चावल मैंने इसमें डालती हूँ, अच्छा से मिला के देती हूँ। ये 5 मिनट के लिए अच्छा से उबालने दो, थोड़ा थिक होने दो। इसी टाइम पे हम स्वाद अनुसार नमक डाल के देती हूँ। पहले हम ज़्यादा नमक नहीं डाला है ना, इसके लिए अभी डालती हूँ। ये अच्छा से उबालने दो, थोड़ा टेस्ट देखती हूँ कैसे करके। थोड़ा सा तिक्का ज़्यादा है, लेकिन ये ठंडा होने के बाद तिक्का वगैरह बराबर हो जाएगा। देखिए, अभी थोड़ा तिक्का हो गया। इसी टाइम पे हम कोकोनट की 1st मिल्क डाल के देती हूँ। ये 1 कप 1st मिल्क है। 1 कप मतलब 250 ml। अभी हम 2 करी पत्ता ऐसे हाथ से काट के डाल के देती हूँ। इसमें तड़का वगैरह कुछ भी नहीं है। अभी हम गैस ऑफ करती हूँ। गैस ऑफ करने के बाद 1.5 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल डाल के देती हूँ और अच्छा से मिला के देती हूँ। इतना ही है, हमारा ओलन करी रेडी हो गया। ये 10-15 मिनट के बाद और थिक हो जाएगा। आप लोग भी ये घर पे ट्राई करके देखिए। कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट भी कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ओणम सद्या रेसिपी में हम देखते हैं। तब तक टाटा बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हैप्पी।